स्वागत है आपका ज्ञानोदय एकेडमी हनुमानगढ़ जंक्शन के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। लास्ट हमने चैप्टर किया था महादेवी वर्मा का गोरा चैप्टर। आज बात करते हैं उनके अभ्यास प्रश्न के बारे में। तो देखिए, प्रश्न नंबर एक की बात करते हैं, महादेवी वर्मा किस युग की कवयित्री है? तो देखिए, महादेवी वर्मा किस युग की कवयित्री है? ऑप्शन नंबर ए द्विवेदी युग, बी छायावाद, सी प्रगतिवाद और डी ए प्रियदर्शन। तो देखिए, प्रियदर्शन तो है ही नहीं। तो जो माधवी वर्मा है वो कौन से युग की कवित्री है? तो यहाँ हमारा आंसर सही है, माधवी वर्मा छायावाद की कवित्री है। कौन से युग की? छायावाद युग की कवित्री है माधवी वर्मा। प्रश्न नंबर दो की हम बात कर लेते हैं। गोरा के बछड़े का नाम क्या था? जल्दी से बता दीजिए मुझे, गोरा के बछड़े का क्या नाम था? लालमणि, गोपालक, समीर, प्रयोगवाद या प्रियदर्शन? तो जी हाँ, गोरा के बछड़े का नाम था लालमणि। क्या नाम था गोरा के बछड़े का? लालमणि नाम रखा गया था गोरा के बछड़े का। अब बात कर लेते हैं आगे प्रश्न नंबर तीन की। लेखिका की बहन का क्या नाम था? तो देखिए, लेखिका की बहन का क्या नाम था? लेखिका की बहन का नाम था श्यामा। जी हाँ, माधवी वर्मा की बहन का क्या नाम था? श्यामा था। प्रश्न नंबर चार, गाय करुणा की कविता है किसका कथन है? ये इम्पोर्टेंट है आपके पेपर प्रतियोगी, आपकी परीक्षा की दृष्टि से, और आप इसे इम्पोर्टेंट लगा भी लीजिएगा क्वेश्चन को, कि गाय जो है वो करुणा की कविता है, यह किसने कहा है? तो ये कथन महात्मा गांधी जी का है। किसका है ये कथन? ये कथन है महात्मा गांधी जी का कथन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है? गाय करुणा की कविता है। प्रश्न नंबर पांच, लेखिका को गाय पालने का सुझाव किसने दिया था? तो लेखिका को गाय पालने का सुझाव, यानी कि माधवी वर्मा जी को गाय पालने का सुझाव उनकी छोटी बहन श्यामा ने दिया था। उनकी छोटी बहन का नाम क्या था? श्यामा था। तो श्यामा ने दिया था उनको ये सुझाव। प्रश्न नंबर छह, गोरा के बछड़े यानी वस का क्या नाम रखा गया? तो ये पहले भी कर दिया किया अभी अपन ने, गोरा के बछड़े वस का नाम लालमणि रखा गया, उसे लालू भी कहते थे। नाम क्या रखा गया? लालमणि, और उसे क्या कहते थे? लालू भी कहते थे। प्रश्न नंबर सात, गोरा की बीमारी को क्या कारण था? मतलब क्या क्या थी बीमारी, क्यों हो गई थी, कारण क्या था उसका? तो गोरा की बीमारी का आएगा, ये को नहीं आएगा, बाई मिस्टेक प्रिंट हो गया है। गोरा की बीमारी का आएगा यहां पे, क्या आएगा, का क्या कारण था? तो देखिए, गोरा की बीमारी का कारण क्या था? गोरा को गुड़ की डली में लपेटकर सुई खिला दी गई थी जो रक्त संचार के साथ उसके हृदय की ओर बढ़ रही थी। गोरा को गुड़ की एक डली के अंदर सुई को छुपाकर लपेटकर उसको खिला दिया गया था। गुड़ के साथ गोरा ने वो सुई खा ली थी, जिसके कारण वो सुई खून के साथ साथ धीरे धीरे उसके हृदय तक पहुंच रही थी। प्रश्न नंबर आठ, कौन सी समस्या स्थायी समाधान चाहती थी, उसका क्या समाधान हुआ? देखिए, गोरा जो थी वो 10 से 12 शेर दूध सुबह शाम देती थी, यानी गोरा जो दूध देती थी वो कितना देती थी? 10 से 12 शेर दूध देती थी सुबह शाम, और उसका दूध दोहने की समस्या थी, भी दूध निकालेगा कौन? महादेवी के शहरी सेवक दूध दुहना नहीं जानते थे, यानी महादेवी के यहाँ जो काम करते थे लोग, उनको दूध दुहना नहीं आता था, गाय का दूध कैसे निकाला जाता है। तथा गांव से आए हुए सेवकों का दूध दुहने का अभ्यास छूट गया था। माधवी वर्मा को ऐसे दूध दुहने वाले की आवश्यकता थी जो स्थायी रूप से यह काम कर सके। माधवी के घर में पहले से एक ग्वाला दूध देने आता था, उसको गोरा ने को दूहने के लिए नियुक्त किया गया। यानी यहाँ ये कहा जा सकता है कि गोरा के लिए जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम ये थी कि उनका दूध निकालेगा कौन, और गोरा सुबह से लेकर शाम तक 10 से 12 शेर दूध देती थी, और जो माधवी वर्मा के पास सेवक थे उन्हें दूध निकालना नहीं आता था, और जो गांव के लोग आए हुए थे वो भी भूल गए थे क्योंकि माधवी वर्मा ने अब गायें पाली थी। तो माधवी वर्मा के घर में पहले से ही एक ग्वाला आता था दूध देने, और उसको नियुक्ति दी गई कि वो क्या करेगा, दूध निकालने का काम करेगा। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आह मेरा गोपालक देश, पंक्ति में निहित वेदना को स्पष्ट कीजिए कि यहाँ आह मेरा गोपालक देश से क्या आशय? भारत में गाय का सम्मान होता है तथा उसको घर घर में प्रेम के साथ पाला जाता है। उस गोपालकों के देश में गोरा के किसी निर्मम ग्वाले द्वारा हत्या होना अत्यंत दुखदायी है। जहाँ गाय को माता मान के पूजा जाता है, गाय की पूजा की जाती है, गाय को बड़े प्रेम से पाला जाता है, उस देश के अंदर गोरा जैसी प्यारी गाय को एक ग्वाले के द्वारा उसकी हत्या कर देना अत्यंत ही दुखदायी है। मरणासन्न तथा पीड़ा से तड़पती गोरा को देखकर महादेवी सिहर उठी
माधवी वर्मा को बहुत दुख हुआ और उनके मुख से निकला आह मेरा गोपालक देश, कि ये मेरा गोपालक देश है जो इसने गोरा की हत्या कर दी है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। गोरा का लेखिका के बंगले पर हुए स्वागत का वर्णन कीजिए कि जब लेखिका माधवी वर्मा जी गोरा को अपने घर लेके बंगले पे लेके आए तो उसका स्वागत कैसे हुआ। गोरा जब माधवी के बंगले पर आए तो परिचितों और परिवार की भीड़ हो गई, यानी माधवी वर्मा को जानने वाले उनके परिवार वालों की भीड़ लगी घर पे। श्रद्धापूर्वक सबने क्या किया, गोरा का स्वागत किया। गोरा की गर्दन में लाल सफ़ेद गुलाबों की माला पहनाई गई। गोरा को क्या पहनाई गई, लाल सफ़ेद गुलाबों की माला पहनाई गई। उसके माथे पर केशर रोली का टीका लगाया गया। गोरा के स्वागत के लिए गोरा के माथे पर कौन सा टीका लगाया गया, केशर रोली का टीका लगाया गया। घी का चौमुखी दिया जलाकर उसकी आरती की गई, उसको दही पेड़ा खिलाया गया और उसका नाम गोरांगनी अथवा गोरा रखा गया। गोरा इस स्वभाव से अत्यंत प्रसन्न हुई, बहुत जल्दी गोरा जो है घुल मिल गई। निबंधात्मक प्रश्न की बात कर लेते हैं। गोरा वास्तव में बहुत प्रियदर्शनी थी। पंक्ति के आधार पर गोरा के शारीरिक सौंदर्य एवं स्वभावगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोरा बहुत ही सुंदर गाय थी। उसकी आंखें काली और चमकीली थी। उसका माथा चौड़ा और मुंह लंबा था। लंबे सफ़ेद मुख पर उसकी आंखें बर्फ के जैसे नीले जलकुंड जैसे लगती थी, यानी सफ़ेद मुंह पे जो उसकी नीली नीली आंखें, ऐसा लगता था जैसे नीला कोई जलकुंड हो। उसकी आंखों में आत्मीयता से भरा विश्वास का भाव था, यानी देखने में गोरा बहुत ज़्यादा सुंदर थी। वह मंथर गति से चलती थी। कुछ दिनों में वह सभी से इतनी हिल मिल गई थी कि कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे तथा टांगों के बीच में खेलने लगे थे। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठते थे और उसके कान तथा आंखें खुजलाते थे। गोरा सबको पैरों के आहार से पहचानती थी। कहने का मतलब है कि गोरा इतनी जल्दी घुल मिल गई कि वो सभी जानवरों को पहचानने लग गई थी। उसको मोटर के आने, चाय, नाश्ता तथा भोजन के समय की भी पहचान थी। वह कुछ पाने के लिए रंभाने लगती आएगा, ये बाई मिस्टेक लिखा गया, यहाँ संभालने की जगह यहाँ आएगा रह, रंभाने लगती थी। पास आने पर वह अपनी गर्दन सहलाने के लिए आगे बढ़ा देती थी। हाथ फेरने पर वह आश्वस्त होकर उसे कंधे पर रख लेती थी और आंखें मूंद लेती थी। अपने से दूर जाने पर वह जाने वाले को गर्दन घुमा घुमा कर देखती रहती थी और कोई जरूरत होने पर वह एक निश्चित ध्वनि भी करती। इस प्रकार गोरा बहुत जल्दी सभी घरवालों से मिल गई थी। गोरा की मृत्यु को संघर्ष इस संस्मरण का सर्वाधिक मार्मिक प्रसंग है। स्पष्ट कीजिए कि गोरा का अपनी मृत्यु से कैसे संघर्ष किया गोरा ने। गोरा को गुड़ की बटरी के माध्यम से सुई खिला दी गई थी। उसकी पीड़ा सहती हुई वह तिल तिल करके मर रही थी। क्यों, क्योंकि उसको जो सुई खिलाई वो उसके हृदय तक जा रही थी। डॉक्टरों ने उसके रोग को असाध्य तथा मृत्यु को अवश्यम भावी बता दिया था। माधवी वर्मा ने अनेकों डॉक्टर बुलाए, अनेकों प्रयास किए गए कि उसे इस पीड़ा से मुक्ति मिले, लेकिन ना वो मुक्त कर पा रहे थे ना ही स्वस्थ। उसको इंजेक्शन पे इंजेक्शन दिए जाते थे। पशुओं के लिए प्रयोग में आने वाले इंजेक्शनों में सूजे के समान बड़ी सीरिंज होती थी वह तथा बड़े डिब्बे भरी दवा इनके द्वारा उनके शरीर में पहुंचाई जाती थी। इनकी पीड़ा किसी शल्य क्रिया से कम नहीं थी। शल्य क्रिया नहीं, पोस्टमार्टम। गोरा शांति के साथ भीतर तथा बाहरी चुभन को सहती थी, क्योंकि बाहर उससे इंजेक्शन के लगने की चुभन थी तो अंदर वो सुई उसको चुभ रही थी। कभी कभी उसकी आंखों के कोनों से दो बूंद आंसू टपक जाते थे। अब गोरा इतनी असहाय हो गई थी कि उस गाय से खड़ा भी नहीं हुआ जाता था। खान पीन तो पहले ही छूट चुका था। सेब का जो रस उसे पिलाया जाता था वह भी अब उसके गले में अटकने लगा था। उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा करना अत्यंत मार्मिक था। माधवी ने गोरा शीर्षक संस्मरण में गोरा के आगमन, उसके सौंदर्य, उसके स्वभाव, उसके बछड़े के जन्म तथा सुई खिला दिए जाने के बाद धीरे धीरे उसकी मृत्यु की ओर बढ़ने आदि का वर्णन किया है। तो यह हमारे चैप्टर माधवी वर्मा का चैप्टर था गोरा, उसका था अभ्यास प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।